नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित, आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है। पांच चरण के मतदान जो है पूरे हो चुके हैं। कल छठे चरण के मतदान होने वाले हैं, यानी कि 25 मई को। उसके बाद 1 जून को चुनाव होंगे अंतिम चरण के, और 4 जून को परिणाम आ जाएंगे और पता लग जाएगा कि एक बार फिर से क्या नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर इंडिया अलायंस से कोई नया चेहरा निकलकर सामने आएगा। लेकिन इन चुनावों में जो खेल हुआ वो बीएसपी पार्टी में हुआ। दरअसल बीएसपी पार्टी ने जो कड़ा एक्शन लिया अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ, उसकी चर्चा अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल जिस तरह से आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया था, आकाश आनंद ने बीजेपी पार्टी को आतंकवादियों की सरकार बता दिया था, आतंकवादियों की पार्टी बता दिया था, और यह भी कहा था कि अगर कोई बीजेपी का कैंडिडेट आपके यहाँ वोट मांगने आए तो उसके लिए जूते, चप्पलों का, डंडे का, लाठियों का, सबका इंतजाम कर रखे और आए तो मारो। इस तरह की बातें आकाश आनंद करते नजर आए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तगड़ा एक्शन लिया पहले तो, उसके बाद भैया मायावती ने एक्शन ले लिया और आकाश आनंद से उनका पद छीन लिया, उनको जो उत्तराधिकारी बनाया था, पार्टी का कोऑर्डिनेटर बनाया था, उन सभी जिम्मेदारियों से उनको बरी कर दिया और उनसे वो सभी जिम्मेदारी छीन ली। लेकिन उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश दिखा, नाराजगी दिखी, पार्टी छोड़कर जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए कई सारे नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और अभी तक किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। और जो कारण निकल कर ये सामने आया कि आकाश आनंद से उनकी जिम्मेदारी क्यों छीनी गई। आखिरकार जो प्रहार है वो पार्टी के जो नेता है, कई सारे नेता करते हैं। अखिलेश यादव देख लीजिए, राहुल गांधी देख लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों को उठा लीजिए, वो भी तो मतलब ठीक है, शब्द गलत थे आकाश आनंद के, ये सारी बातें करते नजर आए, लेकिन आपको उन्हें पार्टी से निकालना नहीं चाहिए था। अब ऐसे में सूत्रों से खबर निकल कर सामने आ रही है कि आकाश आनंद को भली बड़ी जिम्मेदारी ना मिले, लेकिन उनकी पत्नी जो है प्रज्ञा, जी हाँ, उनकी पत्नी प्रज्ञा को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मायावती पार्टी में देती नजर आ सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब आकाश आनंद के साथ साथ उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में, मतलब आगे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें मायावती उन्हें उतारती नजर आए और बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में देती नजर आए। लेकिन अब देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या रुख करती नजर आती है मायावती, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पार्टी को बचाना है तो आकाश आनंद या फिर उनकी पत्नी किसी ना किसी को वापसी करानी पड़ेगी पार्टी में और एक बड़ा पद यहाँ पर देना पड़ेगा। खैर, आप इस पर क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।